आरोग्य जागृति आईएमए नेशनल हेल्थ स्कीम। पहले मैं आईएमए नेशनल में सेक्रेटरी जनरल था और वाइस प्रेसिडेंट भी था। 2021 में जब भी कोरोना बहुत एक्टिव था तभी इन्होंने, जैसे रामदेव जी ने एक करोनिल करके गोली लॉन्च किया था और उसी टाइम पे उन्होंने बोला कि ये सबसे बेस्ट दवा है और कोरोना में असर करती है। और वही टाइम पे जैसे उन्होंने बोला कि भाई लोगों को ऑक्सीजन देने से बहुत मौत हो गई है, एलोपैथी में कोई दवा नहीं है, एलोपैथी कुछ दवा कर नहीं रही है और टर 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 ऐसे बोल के उन्होंने उसकी मजाक उड़ाई थी। तभी हमने आईएमए की तरफ से पिटीशन और आरटीआई में अप्लीकेशन किया था हेल्थ मिनिस्ट्री और आयुष मिनिस्ट्री के पास कि भाई ये करोनिल का आपने जो दिया है वो प्रमाणित है क्या, सत्य है क्या। तो उन्होंने रिफ्यूज़ किया था, आयुष मंत्रालय ने हमें लिख के भेजा था कि करोनिल दवा करोनिल अप्रूव नहीं है। उसके बाद में दो दिन के बाद में जैसे ही हमारे हाथ में आ गया हमने लिखा था लेटर पतंजलि को और उन्होंने उनका स्टेटमेंट वापस लिया। और थोड़े टाइम के बाद में वापस उन्होंने कुछ मेडिकल एडवर्टाइजमेंट के बारे में एक कंसेप्ट जो लिखा था, जो एडवर्टाइजमेंट पूरे ऑल ओवर इंडिया में आया था, उसका टाइटल था मिसकंसेप्शन स्प्रेड बाय एलोपैथी। तो ये जो आदमी है रामदेव जी है वो योगा गुरु कहलाते थे लेकिन उन्होंने एलोपैथी डॉक्टरों के बारे में, एलोपैथी के बारे में ऐसी बातें करना है बहुत गलत है, वो एक लोगों को मिसगाइड करती है। और कितने लोग आयुर्वेदिक दवा के गए, एलोपैथी दवा छोड़ दिए, वो किडनी फेल्योर में गए, डायबिटीज उनका बढ़ गया, ब्लड प्रेशर बढ़ गया, उससे काफ़ी नुकसान हो गया हर जगह पे। इसके लिए 22 जून में हमने इसके अगेंस्ट सुप्रीम कोर्ट में केस दाखिल किया और वो अभी चलते चलते आज आप 2 साल के बाद में उसका रिजल्ट आप देख रहे हैं। जब भी सुप्रीम कोर्ट खुद इसके अगेंस्ट है, उनको खुद पूछा है, एक तो कंटेम्प्ट के ऊपर है और उसी के साथ में उन्होंने पूछा है कि भाई आप आयुर्वेदिक है तो आप आयुर्वेदिक का दवा करो, हमको कोई उसमें तकलीफ नहीं है। आईएमए को भी कोई सिस्टम ऑफ मेडिसिन में तकलीफ नहीं है, अगर कोई एलोपैथिक दवाई देता है तो लेने दो, आयुर्वेदिक दवा देता है तो लेने दो, लेकिन हमको दूसरे सिस्टम के ऊपर क्रिटिसाइज करना, गलत शना अनाप शना बोलना, ये टोटली अनवांटेड है। इसी के बारे में आज सुप्रीम कोर्ट में चर्चा चल रही है और हम समझते हैं कि सुप्रीम कोर्ट इसके बारे में जो हमारा 1954 का ड्रग एंड कॉस्मेटिक मैजिक ड्रग रेमेडी एक्ट है उसके ऊपर भी सलाह मशवरा करेगी, गाइडेंस देगी और ये जो झूठे एडवर्टाइजमेंट है वो सभी को गलत साबित होंगे और कंपनीज को विड्रॉ करना चाहिए, ऐसे मैं मानता हूँ। सर, नेशनल आईएमए जितना बड़ा कदम उठाया है, बहुत अच्छा है ये, मतलब कदम उठाया है, अब इसके ऊपर क्या एक्शन लेंगे इसके आगे? इसके आगे हम लोग को कहना यही रहेगा कि जो भी दवाई है उसका एक सिस्टम, जैसे फूड एंड ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन है तो वो अगर सिस्टम ऑफ मेडिसिन चेक करेगी। आज हम एविडेंस बेस्ड मेडिसिन में मानते हैं क्योंकि आज एलोपैथिक मेडिसिन ने वर्ल्ड ओवर इतनी तरक्की कर ली है, जितनी तरक्की हम मानते हैं कि चरक संहिता है, सुश्रुत है, हमारे ओल्ड एज का साइंस है, लेकिन उसमें इन्वेस्टिगेशन, उसमें रिसर्च नहीं हुआ है। गवर्नमेंट उसमें रिसर्च रिकमेंड करेगी, रिसर्च होने दो, अच्छी दवाई आती है तो पेशेंट का फायदा है, पेशेंट को ट्रीटमेंट मिलता है तो हमारा कोई उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, लेकिन हमें क्रिटिसाइज करके लोगों को गलत जगह पे रास्ता दिखाना नहीं है, ऐसा हमारी सुप्रीम कोर्ट पर विनती रही। सर, जैसे रामदेव बाबा हर एक प्रोडक्ट पे चैलेंज करते हैं क्या भाई ये, तो एलोपैथी के बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? एलोपैथी आज एक एविडेंस बेस्ड वर्ल्ड में आप देखेंगे तो उसका इतना रिसर्च हो रहा है, आप समझते हैं कि 50 साल के पहले हमारे मैलिग्नेंसीज के सभी पेशेंट एक्सपायर होते थे 2 साल 1 साल में, लेकिन आज के तारीख में काफ़ी मैलिग्नेंसी के हमारे जो नए नए ड्रग्स आए हैं, काफ़ी ड्रग्स आज हम हार्ट में जाके उसको स्टेंट बैठाते हैं, बाईपास करते हैं, ऑर्गन ट्रांसप्लांट करते हैं, इतनी सब दवाई आई है तो ही हम लोग ये आज काम कर रहे हैं। तो एलोपैथी में जितना रिसर्च हो रहा है, जितना साइंटिफिक वे और एविडेंस है, तो जितना दूसरे सिस्टम में रिसर्च नहीं है, रिसर्च करने दो, दवाई नहीं आती है तो अच्छा है, लेकिन ये जो क्रिटिसिज्म है, जो घातक हो रहा है पेशेंट को, लोगों को मिसगाइड करना और उसके ऊपर पैसा कमाना, इसके हम आईएमए विरुद्ध रहे। जैसे सर आपने बताया कि एलोपैथी जो दवा है बहुत रिसर्च होती है और आजकल जो आयुर्वेदिक पे जो वादे जो दिया जाता है इसमें बहुत से पेशेंट एलोपैथी छोड़ देते हैं, इसके ऊपर उनके बैड
जो रिजल्ट मिल रहे हैं उसकी वजह से? इसके हमें, हम सभी पेशेंट को जो पहले आयुर्वेदिक के दवा के ऊपर गए थे, लेकिन हमारे पास आने के बाद में हमको देखा है कि उनका शुगर आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया है, ब्लड प्रेशर आउट ऑफ कंट्रोल निकल गया है, तो ऐसे वो सामने आके एक सुप्रीम कोर्ट में दाखला के तरीके उन लोग अगर स्टेटमेंट देते हैं तो वो सुप्रीम कोर्ट में समझ में आएगा कितने लोग हैं, लेकिन ये काफी लोग नहीं आ। आरोग्य जागृति।